हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब खैर खैरियत से होंगे। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये है एक बहुत ही ज़्यादा यम्मीस्ट सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फ़िश पुलाव। ये है मेरे सिस्टर इन लॉ की सीक्रेट रेसिपी। सो मुझे बड़े मज़े का लगता है, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाता है, और फ़िश तो वैसे भी खाना चाहिए विंटर्स में। सो अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया है। फर्स्ट हम लोगों ने प्याज को कर लेना है गोल्डन ब्राउन, और 2 से 4 प्याज हम लेंगे, और साथ ही हम लोगों ने गार्लिक को कर लेना है अच्छे से लाइक कूट लेना है, और साथ में ले लेनी है कुछ ग्रीन चिलीज़ ताकि इसको बनाना है थोड़ा सा स्पाइसी, ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए इसको खाने में। और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ इसमें आलू भी ऐड करने हैं, और जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसमें साथ ही साथ आलू ऐड करेंगे, और जो हम लोग ने चिलीज़ को और हमारे जो गार्लिक है उसको अच्छे से हमने कूट लिया था, क्योंकि हम इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे कूट लेंगे ताकि ये थोड़ा मोटा मोटा रहे, और उसको भी हम ऐड कर लेंगे इसी मसाले में। और मसाले इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप लोगों ने ऐड करने हैं। आप लोगों ने सूखा धनिया इसमें ऐड करना है थोड़ा सा, और थोड़ी सी डालनी है हल्दी, और दैट्स इट। और नमक आप हसब ज़ायका डाल सकते हो, और वैसे भी बाद में भी आप लोगों ने ऐड करना है। और मेन इन्ग्रीडियंट जो है इसका है फ़िश, और फ़िश के बगैर तो ये कम्प्लीट ही नहीं हो सकती रेसिपी। सो अब हमने ऐड कर लिया है फ़िश इस टाइम पर, और साथ ही साथ टोमेटो को हम लोगों ने इस तरह बड़ा बड़ा चॉप करके डालना है। और ये आप देख सकते हैं, ये है ज़ीरा, और ये अच्छे से तकरीबन 4 से 5 स्पून लेकर हमने इसको भी कूट लेना है, और इसको कूट के साइड पे रख देना है। और यहाँ पर हमारा पानी जो है रेडी हो गया है, बल्कि हमने उन्हें चढ़ा दिया है पानी डाल के, ताकि हमारी फ़िश अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने लेना है कोरिएंडर थोड़ा सा और ग्रीन चिलीज़, वो हम इसके ऊपर बाद में भी इसको दोबारा से ऊपर से डाल सकते हैं, जब हम लोग जब चावलों का पानी अच्छे से कम्प्लीटली उबल जाए। तो उबलने के बाद हम लोगों ने इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा और ये जो है कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ हमने ऐसी नॉर्मली डालनी है, और ये जो इसके अंदर फ़िश जो हमारी कुक हो चुकी है इसे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि अब फ़िश का बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करने हैं चावल। सो ये हमारी फ़िश होगी रेडी, और थोड़ा सा हमने ये ज़ीरा पिसा हुआ कुटा हुआ साइड पर रखा था, वो इसके ऊपर छड़क के हम लोगों ने इसको साइड पर बाउल को रख दिया है। फ़िश हमारी रेडी है, पानी हमारा बिल्कुल से रेडी हो चुका है, और मींस कि अब हम इसमें चावल भी ऐड कर सकते हैं। सो जनाब, अब हम लोगों ने इस टाइम पर थोड़ा सा और मज़ीद पानी डालना है इसमें, ताकि हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो जाए। कम से कम 4 से 5 और जितने भी आप लोगों के पास चावल आप अपना बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से अपना लाइक आप पानी ऐड कर सकते हो। कुछ चावल बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, लेकिन ये बिरयानी के चावल थे, तो इसमें यह है कि थोड़ा सा पानी ज़्यादा डलता है। और हम लोग मज़ीद इसमें नमक ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत, और ये टाइम होता है इसमें आप अगेन आप चेक कर सकते हो कि आपको नमक की ऐड है या करने की ज़रूरत है या नहीं। तो यहाँ पर नमक दोबारा से चेक कर लिया गया है। सो अब हो गया हमारा नमक, और ये सारी चीज़ें हो गई हैं परफेक्ट। यू कैन सी ग्रीन ग्रीन, कितना खूबसूरत लग रही है ये डिश। और अब हमारे चावल जो हैं, टाइम हो गया है चावल का कुक होने का। सो अब हम लोगों ने इसको कम से कम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और ये जनाब, ये है हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से फ़िश पुलाव, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी बनता है, और अभी बिल्कुल भी ये रेडी नहीं हुआ है, और अभी इस वक्त बड़े धुएँ धुएँ हैं बिकॉज़ कैमरे पे भी बहुत ज़्यादा धुआँ लग गया था दम होने के बाद, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। सो ये है भाई हमारे मज़ेदार से स्पाइसी से पुलाव। और आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है या नहीं, इसमें हम बिल्कुल भी रेड चिलीज़ बिल्कुल नहीं डालते, और ये जो हमारी फ़िश अलग से रखी हुई थी अब हम लोगों ने सर्व करने के टाइम पे चावलों के ऊपर रखनी है। तो जनाब, अब हो चुका है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा पुलाव रेडी, और आप लोगों ने इसको सर्व करना है, और दैट्स इट। आई होप कि आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये मज़ेदार सी रेसिपी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।